मैं पहुंच चुकी हूँ नॉर्थ कर्नाटक के एक ऐसे शहर में जिसके उत्तर में मलप्रभा तो दक्षिण में तुंगभद्रा नदी बहती है। ये शहर भारत रत्न पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी और क्रिकेटर सुनील जोशी का जन्मस्थल है। कर्नाटक में स्थित यह शहर कल्याणी चालुक्य समय के प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इस वीडियो में मैं इसी प्रसिद्ध मंदिर और शहर की टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करने वाली हूँ। तो वेलकम टू गदग। हाय एवरीवन, द ट्रैकिंग शूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट धर्मिष्ठा। अभी मैं हूँ गदग में, जिसका मूल नाम क्रुदुका, क्रुतुपुरा और गद्रो था। अभी हम जा रहे त्रिकुटेश्वर मंदिर और वहाँ जाने के लिए हमने रिक्शा की है। ये मार्केट है। गदग का नजदीक का एयरपोर्ट हुबली है, जो यहाँ से 57 किलोमीटर पर स्थित है। गदग के लिए अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे कई शहरों से आपको ट्रेन मिल जाएगी। कई शहरों से आपको सीधी बस भी मिल जाएगी। तो हम पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे जो मंदिर दिख रहा है वो त्रिकुटेश्वर मंदिर है। ये प्रवेश द्वार है, जहाँ सुंदर पिल्लर वाला मंडप है। ये सरस्वती मंदिर है। हम दोपहर के वक्त आए हैं, इसलिए मंदिर बंद है। ये शिव मंदिर है, ये उसका प्रवेश द्वार है। यहाँ भगवान शिव की 3 शिवलिंग है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसे त्रिकुटेश्वर मंदिर कहते हैं। यहाँ पूजा आरती होती है। ये सूर्य नारायण का मंदिर है। ये सरस्वती देवी का मंदिर है, जिसे कुछ उपद्रवियों ने क्षतिग्रस्त किया था। बाद में 22 जनवरी 1999 में इसे रीएस्टैब्लिश किया गया था। अब यहाँ पूजा होती है। त्रिकुटेश्वर मंदिर का निर्माण चालुक्य शासन काल में 1050 से 1200 के दौरान हुआ था। 11वीं से 12वीं सदी की इस प्राचीन मंदिर के आर्किटेक्ट अमरा शिल्पी जकनाचारी थे। ये जैन मंदिर है। परिसर में रहे मंदिरों की दीवार और खंभों पर की गई नकाशी, खूबसूरत स्कल्पचर और स्टोन वर्क मंदिर को आकर्षक बनाते हैं। यहाँ कई देवी देवताओं की नकाशी देखने मिलती है। इसके अलावा यहाँ सेक्स एजुकेशन देने वाली नकाशी भी देखी जा सकती है। ये देखिए, विधर्मियों के आक्रमण से बचाने के लिए यहाँ विजयनगर साम्राज्य दौरान दीवार भी बनाई गई थी, पर मुगलों के द्वारा यहाँ काफी कुछ डिस्ट्रॉय किया गया है। यहाँ एक पुष्करणी भी है। ये शिव मंदिर का ऊपर का हिस्सा है, जो टूट चुका है। ये परिसर काफी सुंदर है। अभी हम पहुंच चुके हैं श्री वीर नारायण प्रसाद मंदिर में। इसका प्रवेश द्वार विजयनगरा कला शैली में बना हुआ है। जैसे ही हमने प्रवेश किया, सामने ही गरुड़ स्तंभ के दर्शन हुए। स्तंभ के पीछे ओकली कुआ है और यहां नमस्कार मुद्रा वाली गरुड़ की मूर्ति भी देखने मिली। दोपहर का समय होने के कारण मंदिर बंद है, पर यहाँ से भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में रही वीर नारायण की मूर्ति गहरे नीले रंग की है। सुंदर कर्ण, कुंडल, शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित और विराग गच्छे की पोशाक में सज्ज वीर नारायण अभय हस्ता के साथ अपने भक्तों की रक्षा करते हुए खड़े हैं। उनकी चौड़ी छाती में लक्ष्मी है, आसन पर दशावतार है, दोनों ओर लक्ष्मी और गरुड़ खड़े हैं। मंदिर के अंदर रहे पिलर पर सुंदर नकाशी देखने मिलती है। यह मंदिर चालुक्य होयसल और विजयनगर की मूर्तियों का एक सुंदर समन्वय है। गर्भगुरु और मंदिर के शीर्ष भाग में चालुक्य मूर्तिकला के नमूने हैं, वहीं गरुड़ माला और रंग मंडप होयसला मूर्तिकला के स्टाइल में है। होयसला के राजा बिट्टीदेव श्री रामानुजाचार्य से धार्मिक प्रतिज्ञा लेने के बाद वैष्णव बन गए थे।
एक मान्यता अनुसार 1117 में उन्होंने अपने गुरु के आदेश पर श्री वीर नारायण मंदिर बनवाया था, कि उनके द्वारा बनाए गए 5 नारायण मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इसी जगह पर महाकवि कुमार व्यास ने कर्नाटक भारत कथा मंजरी लिखी थी। प्रांगण में लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, सर्पेश्वर मंदिर एवं आदि देवी देवताओं के अन्य छोटे छोटे मंदिर भी है। अभी मैं शहर के मध्य में पहुंच चुकी हूं, जहां रास्ते पर ही हमें दिख गया है सोमेश्वर मंदिर। यह मंदिर 11वीं-12वीं शताब्दी में बनाया गया है। मंदिर जीर्ण क्षीण अवस्था में है, पर इसकी जटिल नकाशी संरक्षित है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर काफी सुंदर है। इसके मंडप और दरवाजे पर अनेक आकृतियां और पत्ते बने हुए हैं। मंदिर के आसपास भी उसके काफी अवशेष देखे जा सकते हैं। ये देखिए, अंदर से भी ये कितना खूबसूरत है। अब हम पहुंच चुके हैं वीरेश्वरा पुण्याश्रम। हमने जैसे ही प्रवेश किया, संगीत की ध्वनि हमारे कानों में पड़ने लगे। यहाँ कुछ छात्र संगीत का अभ्यास कर रहे हैं। इस संस्था की जड़ें 1914 से हैं। प्रसिद्ध गायक पंचाक्षरा गवई के मन में संगीत ज्ञान को योग्य लोगों तक पहुंचाने का विचार आया, तभी इसी संस्था ने जन्म लिया। ये संस्था 100 साल से संगीत क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। यहाँ हजारों छात्र मुफ्त में संगीत शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पंचाक्षरा के बाद इस संस्था का कारोबार उनके शिष्य पंडित पुट्टराज गवई ने संभाला था। हिंदुस्तानी क्लासिकल परंपरा के भारतीय संगीतकार पंडित पुट्टराज गवई ने कन्नड़, संस्कृत और हिंदी में 80 से ज्यादा किताबें लिखी है। वे एक संगीत शिक्षक और सामाजिक सेवक भी थे। इस महान विद्वान का जन्म धारवाड़ जिले के देवगिरी गांव में 3 मार्च 1914 में हुआ था और मृत्यु यहाँ पर यानी 17 सितंबर 2010 में हुई थी। जहाँ पंडित जी रहते थे उसे म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें उन्होंने जीवन काल में उपयोग में ली हुई तमाम वस्तुएं और संगीत वाद्य रखे गए हैं, जिसे पर्यटक देख सकते हैं। अभी हम सनसेट देखने के लिए पहुंच चुके हैं महेश्वर नगर में झील के किनारे पर स्थित एक बाग में। यहाँ का मुख्य आकर्षण 116.7 फीट ऊंची कंक्रीट की बनी हुई बसवेश्वर जी की प्रतिमा है, जिसके ऊपर झील का पानी चढ़ाया गया है। यह विश्व की सबसे बड़ी बसवेश्वर जी की प्रतिमा है। एंट्रेंस पर महाभारत के दौरान हुए अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच के युद्ध की मूर्तियां देखने मिलेगी। बसवेश्वर जी 12वीं सदी के महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने भाषण, साहित्य और प्रशासन के माध्यम से समाज में समानता लाने के लिए योगदान दिया था, और इसीलिए दुनिया उनका सम्मान करती है। प्रतिमा के नीचे आर्ट गैलरी है, जिसमें बसवेश्वर जी के समकालीन समाज सुधारकों के
जीवन की झांकी कराती हुई कई मूर्तिकला प्रस्तुत है। यहाँ रही खूबसूरत झील और पार्क पर्यटकों का आकर्षण है। झील में बोटिंग जैसी कई एक्टिविटी होती हैं। लेक बड़े साइज का होने के कारण इसे भीष्म केरे भी कहा जाता है। इसी सुंदर सनसेट के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नई जगह पर। तब तक के लिए हर हर महादेव।